चुकी हूँ और ऑलरेडी मेरी बैग वैग मैंने सब पैक कर रखी है। मेरी बैग एक बैग लेके जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन मुझे रुकना नहीं है, और थोड़ी बहुत पैकिंग इसमें करी है। बेटू अभी सो रहा है, बेटू सो रहा है, अब इनके भी 3:30 बज गए। इन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा तो तुम रेडी रहना, ये स्टेशन छोड़ने जाएंगे, और बज गए हैं 3:30 और 4 बजे की मेरी ट्रेन है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। ये सूट पहना मैंने नॉर्मल सा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो कंफर्टेबल फील होना चाहिए, और बेटू के लिए भी मैंने पतले कपड़े ही पहनाए हैं उसको। वैसे फ़िलहाल तो अभी वो सो रहा है, और बैग वैग मेरा पैक हो चुका है। एक बैग ये है और एक खाने पीने का बैग, मैंने ये एक खाने पीने के लिए इसमें सामान रखा है, बस यही सब है। बाकी ये आते हैं, मिलते हैं आपसे स्टेशन पे। तो गाइस मैं जस्ट ऑफिस से आया हूँ और ऑटो लेके आया हूँ, टाइम हो चुका है निकलने का, टाइम 4 बज चुके हैं। लेट नहीं करना क्योंकि 4:55 की ट्रेन है, टाइम से निकलना है। शिवानी रेडी है, बैग रेडी है, सामान सारा रेडी है। बेटू जस्ट उठा है अभी, क्या हाँ चलना है बेटा, ये रहा बैग रेडी है, आप भी रेडी हो चले। चलो क्या आप और मम्मी जाएंगे बस, ठीक है क्या चलो इस पे, हाँ इस पे बैठाऊंगा आपको मैं, इस पे बैठा के ले चलूंगा आपको, ठीक है चलो रेडी हो जाओ फिर आपसे। बैग ये हो गया, पिंक वाला, चलो बाय बाय कर लो अपने रूम को, आप भी चलो, आपको बाय नहीं कह रहा बेटा, रूम को बाय कर लो, कमरे को बाय बाय कर लो। चलो आ जाओ, कमरा बाय, घर को भी बाय कर लो। चप्पल कहाँ है आपके? हटा लूंगा मैं जब भी ऑफिस से आऊंगा, हटा लूंगा। चलो बेटू को आप ले लो गोद में, मैं बैग उठाता हूँ, ठीक है। रूम बंद कर लो, चाबी कहाँ है? चाबी आते ही लेना। क्या आते हो लेना, अभी दे के रखो। अरे तो चाबी बंद कैसे करूँगी? अच्छा अभी बंद कर दे रही हूँ आपको। कर दिया, बस दे दो। चलो बेटा चले, आप दरवाजे बंद कर दो, कर दो। यहाँ से मोड़ नहीं पाया वो, यहीं आ रहा है, इसी तरफ आ रहा है, यहीं से निकल जाएंगे ना, शॉर्ट पड़ेगा यहाँ से। नहीं ये गली भी थोड़ा, इस वाले घर की वैसे भी दिक्कत है। चलो बैठो, निकल चुके हैं गली से अपने, है ना। किसके घर जा रहे हो बेटा? नानी के। किसके घर जा रहे हो? एक नाना, क्या क्या चलो निकलते हैं गाइस, 4 बज चुके हैं आगे की तरफ। गाइस यहाँ पे था हमारा पुराना वाला घर, बनता ही रहेगा जिंदगी भर। क्या करते हैं बताओ, इसमें खोल बंद करते हैं। चलो कपड़े दो, चलो कपड़े दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। बाबू खोल बंद।
अभियान और शिवानी को बाय करने के बाद मैं निकल चुका हूँ ट्रेन से, और ट्रेन निकल चुकी है मुंबई की तरफ। मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। काइजी है प्लेटफॉर्म और मैंने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं ली है। फटाफट निकलता हूँ प्लेटफॉर्म से इससे पहले कि मुझे टीटी पकड़ ले। तो फाइनली मैं जिस ऑटो से आया था उसी ऑटो से वापसी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है और ऑफिस में है बहुत सारा काम, उस काम को करना है मुझे कम्प्लीट। तो फाइनली यार मैं आ चुका हूँ घर पे शिवानी को ड्रॉप करके, और ऑफिस में काम था जस को ड्रॉप किया, फिर ऑफिस गया अपना पेंडिंग वर्क निकाले, सब कुछ कंप्लीट किया और अब आया हूँ फाइनली घर पे। पूरा रूम आप देख ही सकते हैं बिना मेरे बेटू और बिना मेरी वाइफ के कैसा है, पूरा खाली सुनसान। वैसे तो यार बहुत मुश्किल होगा, जितने भी दिन रुकना है कैसे रुकते हैं यार देखते हैं। फिलहाल अभी शिवानी का मैसेज आया मेरे पास, उन्होंने कहा है कि हाँ भाई मैंने आपके लिए मैंगो शेक रखा है, वही देख लेते हैं, वही पीते हैं और फिर रेस्ट करते हैं, सोते हैं। कल मॉर्निंग में भी उठना है जल्दी, अपना ब्रेकफास्ट सब कुछ खुद ही रेडी करना है। देखते हैं क्या ऐसा है मैंगो शेक और कितना है। मैंगो शेक दूध भी है, अरे कढ़ी चावल भी है, बट यार पेट भरा है क्योंकि ऑफिस में आज हो गया थी पार्टी वार्टी। मैंगो शेक ही रहा भाई, बंद हो जाओ आप।